आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहां पे मैक्सिमा मिनिमा के प्रॉब्लम दिया है, हम उसको सॉल्व करेंगे। यहां पे दिया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स इफ एनी फॉर व्हिच इफ ऑफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम व्हेन इफ ऑफ एक्स इज x मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x, जहां पर x लेस देन इक्वल टू 1। तो हमें यहां पर लोकल मैक्सिमम या फिर लोकल मिनिमम ढूंढना है। और फंक्शन क्या डिफाइंड है, x मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर 1 माइनस x। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें जो फंक्शन डिफाइंड है इसका स्लोप ढूंढना पड़ेगा। तो स्लोप का वैल्यू क्या हो जाता है, वो होता है f प्राइम x। इसको कैसे निकालेंगे, दैट इज डी डी एक्स ऑफ जो फंक्शन हमें दिया हुआ था f ऑफ x उसका। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, तो यहाँ पर हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। x को रखेंगे और रूट में जो है उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो x मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर रूट जेड एज्यूम कर लेते हैं, 1 माइनस x को जेड ले लिया, तो रूट जेड का डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म हो जाता है 1 बाई टू रूट जेड। तो जेड की जगह 1 माइनस x हो गया। अब हमें जेड जिसको लिया था उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो माइनस वन आ जाएगा, क्योंकि वन का डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म जीरो और माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म माइनस वन। तो ऊपर माइनस वन मल्टीप्लाई होगा, मतलब माइनस वन। अब यहाँ पर रूट को रखेंगे और एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन आएगा, तो प्लस रूट ओवर वन माइनस एक्स। तो हमें यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर इसको कॉमन ले लेते हैं रूट वन माइनस एक्स को, तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस वन है और यहाँ पर टू है और इसके साथ एक्स मल्टीप्लाइड फॉर्म है, तो मतलब माइनस एक्स बाई टू। यहाँ पर ये कॉमन आ गया, तो हमें मिलेगा एक्स साथ टू भी ले लेते हैं, टू रूट ओवर एक्स माइनस टू, तो माइनस एक्स हो जाएगा और इसके साथ ये टोटल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें मिलेगा टू मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस एक्स, दैट इज टू माइनस टू एक्स। तो हमें यहाँ पर मिला टू माइनस थ्री एक्स बाई टू मल्टीप्लाइड बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन आ गया। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए किस पॉइंट में हमें मैक्सिमम या फिर मिनिमम मिलेगा, इसको सॉल्व करने के लिए हमें इस वैल्यू को, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन वैल्यू को जीरो होना है। तो इसको जीरो के साथ इक्वल करेंगे तो हमें वैल्यूज मिल जाएगा। पर किस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम मिलेगा, किस पॉइंट पे मिनिमम मिलेगा, इसको ढूंढने के लिए हमें एफ डबल प्राइम एक्स चाहिए। तो एफ डबल प्राइम एक्स क्या हो जाता है, एफ डबल प्राइम एक्स कैन बी डिफाइंड एज डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। मतलब एफ प्राइम एक्स जो हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन के फॉर्म में मिला था उसको फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एक्स की रेस्पेक्ट में, तो हमें सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन फॉर्म मिल जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें सेकेंड ऑर्डर मिलेगा। अब इस पॉइंट्स में जो आएंगे, इसको जीरो के साथ इक्वल करके जो पॉइंट्स हमें मिलेगा उसी पॉइंट्स को हमें सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में प्लेस करना है। तब उसी पॉइंट्स पे हमें मिलेगा कि कहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और कहाँ पर मिनिमम वैल्यू। तो डिफरेंशिएट करेंगे यू बाई वी के फॉर्म में, तो नीचे जो है उसका स्क्वायर ले लेंगे, तो फोर मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस एक्स। अब ऊपर क्या होगा, नीचे वाले टर्म को रखेंगे टू रूट ओवर वन माइनस एक्स और इसके साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में होगा इसका डिफरेंशिएशन फॉर्म, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन फॉर्म, वो देगा हमें माइनस थ्री। फिर माइनस ऊपर जो था उसको रखेंगे और नीचे वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमें मिलेगा टू मल्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स का डिफरेंशिएट फॉर्म, दैट इज वन बाई टू वन माइनस एक्स, एंड वन माइनस एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस वन मिलेगा। तो ऐसा फॉर्म आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो टू के साथ टू क्रॉस आउट हो जाएगा, यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा, माइनस सिक्स रूट ओवर वन माइनस एक्स और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, टू माइनस थ्री एक्स रूट ओवर वन माइनस एक्स। यहाँ पर हो जाएगा फोर मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस एक्स। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा, रूट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, रूट से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस सिक्स के साथ वन माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस सिक्स प्लस सिक्स एक्स और यहाँ पर रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टू माइनस थ्री एक्स प्लस टू माइनस थ्री एक्स और रूट वन माइनस एक्स नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फोर वन माइनस एक्स रूट ओवर वन माइनस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस फोर एंड थ्री एक्स माइनस फोर हो जाएगा, तो थ्री एक्स माइनस फोर फोर मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस एक्स का थ्री बाई टू, क्योंकि इसको वन रखते हैं और इसको हाफ रखते हैं तो थ्री बाई टू हो जाएगा। तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अब जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन हमें मिला था उसको जीरो के साथ इक्वल करना है, तो इस वैल्यूज को हम इक्वल करेंगे इक्वल टू जीरो। तो सॉल्व क्या होगा, सिंप्लीफाई करने से टू माइनस थ्री एक्स डिवाइडेड बाई टू रूट ओवर वन माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो तभी पॉसिबल है जब टू माइनस थ्री एक्स जीरो है और नीचे वाला इक्वेशन जीरो नहीं है,
तो कंडीशंस क्या क्या होना है, 2 माइनस 3x 0 होना है, गिवेन दैट ये 0 नहीं है, मतलब 1 माइनस x 0 नहीं हो सकता, 1 माइनस x नॉट इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1। अब इस वैल्यू को इक्वल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3x इज इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 2 बाई 3। तो x का हमें क्या क्या वैल्यू मिला है, x इक्वल टू 2 बाई 3 एंड x नॉट इक्वल टू 1, इन दोनों को सेटिस्फाई करना। तो हमें कंडीशन क्या दिया गया था, x लेस देन इक्वल टू 1, तो हमें जो वैल्यू मिला है 2 बाई 3 ये लेस देन है ऑलरेडी, तो ये सेटिस्फाई कर सकता है। बस चेक करना है इस पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है, इस पॉइंट को 2 बाई 3 पॉइंट को अगर हमने a डबल प्राइम x में प्लेस कर दिया और उससे हमें ग्रेटर देन 0 मिला, वैल्यू हमें ग्रेटर देन 0 मिला, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर ग्रेटर देन वैल्यू 0 में हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा, और अगर लेस देन 0 मिला मतलब नेगेटिव, तो उस वैल्यू में हमें मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट मिलेगा। तो अब हम वैल्यू को प्लेस करेंगे, तो ये हमारा एफ एफ डबल प्राइम एक्स है, तो हमें क्या चाहिए, एफ डबल प्राइम 2 बाई 3, इस पॉइंट को हमें प्लेस करना है, तो 3x माइनस 4 बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2 बाई 3 होल टू दी पावर 3 बाई 2, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, सॉरी यहाँ पर भी 2 बाई 3 प्लेस करना है, तो 3 से 2 बाई 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, डायरेक्टली करते हैं, यहाँ पर 2 हो गया, 2 पर क्या मिलेगा, माइनस 2 बाई 4, तो -1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 3 होल टू दी पावर 3 बाई 2। अब ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसका हमें 3 बाई 2 लेना है, मतलब इसका ये 1 बाई 3 मल्टीप्लाइड फॉर्म में आएगा और इसके साथ √1/√3 होगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, 1/3 इधर रहेगा तो -3 हो जाएगा ऊपर, ऐसा हो जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3√3 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर हो गया -3√3/2 और ये नेगेटिव वैल्यू है लेस देन 0, तो हमें इस पॉइंट पे क्या मिलना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। तो x इक्वल टू 2/3 को अब हमें क्या करना है, जो f ऑफ x फंक्शन दिया गया था उस पॉइंट पे हमें प्लेस करना है, तो f ऑफ 2/3 हमें चाहिए, तो x मल्टीप्लाइड बाई √1 माइनस x, एक्स मल्टीप्लाइड बाई √1 माइनस x, पॉइंट को प्लेस करना है और हमें मैक्स वैल्यू मिल जाएगा एफ ऑफ 2/3, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2/3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/3, 1/3 का रूट हो जाएगा 1/√3, तो 2/3√3, तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम वैल्यू और ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।